बॉलीवुड से एक बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड से एक बड़े सेलिब्रिटी के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर, जिससे हम आपको अपडेट ज़रूर कराना चाहेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल हम बात कर रहे हैं जाने माने सिनेमेटोग्राफर नदीम खान के बारे में, जो कि सीढ़ियों से गिरकर हो गए हैं। गंभीर हालत में उनकी स्थिति है। 80 और 90 के दशक में मशहूर दिवंगत लेखक, शायर व गीतकार रही मासूम रजा के बेटे नदीम खान को इस गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनके बारे में सुनकर लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, क्योंकि अभी ऋषि को गुजरे हुए ज़माना नहीं गुजरा है, ना ही इरफान खान को गए हुए दिन गुजरा है। कुछ दिन हुए हैं, एक वीक भी नहीं हुआ है कि 69 साल के नदीम खान के सिर, सीने और कंधे पर चोट लगी है, और ये बहुत बुरी खबर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इससे ज़्यादा बुरी खबर इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हालत उनकी बहुत ज़्यादा गंभीर मानी जा रही है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, यहाँ उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उनकी सिंगर वाइफ पार्वती खान से मिलने की कोशिश की गई, बातचीत हुई, तो उसके बाद पता चला कि वो जवाब देने से पीछे हट रही हैं। नदीम के एक करीबी दोस्त ने इसकी जानकारी दी, और वो दोस्त कोई और नहीं, रजा मुराद हैं, जो कि पार्वती खान के हवाले से बात करते हुए एक रिपोर्ट को इस पर पुष्टि करते हुए बताएं कि नदीम खान के सीढ़ियों से गिरने से दिमागी चोट लगने और छाती में फ्रैक्चर होने की खबर परिवार से उन्हें मिली है, और उनकी स्थिति बहुत गरीब है। अभी फ़िलहाल 40 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके सिनेमाटोग्राफर नदीम के बारे में आप जानते ही होंगे। सुपरहिट फिल्में उनकी किंग अंकल, इल्ज़ाम, जुर्म, आवारगी, गुनाह, गैंग, खलनायिका हैं, इन सब के बारे में सभी जानते हैं। साल 1998 में रिलीज़ हुई फिल्म में उन्होंने काम किया था, तिरछी टोपे वाले में, जिसमें चंकी पांडे और मोनिका वेदी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।